अस्सलामुअलैकुम। जी मैं रिलेटेड एक और ट्रेनिंग के साथ हाजिर हूँ। मैं यहाँ पर आज बात करूँगा सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के हवाले से, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड है। और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपनी अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की प्रोसेस को, तो ये ट्रेनिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊँ, सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपके आने वाले वक्त में आपको वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, वो ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, ताकि आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें उस एप्लीकेशन को, उस डिज़ाइन को। और जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे एप्लीकेशन और डिज़ाइन को, उतने ही अच्छे आप डेवलप करवा सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के दो अलग लफ्ज़ हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड लोड शेयरिंग। सिंक्रोनाइजेशन एंड लोड शेयरिंग, हमेशा ये टर्मिनोलॉजी की इस्तेमाल की जाती है, सिंक्रोनाइजेशन एंड लोड शेयरिंग। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को एक कॉमन बस के ऊपर इकट्ठे किया जाता है। कैसे इकट्ठे किया जाता है? ये आपकी कॉमन बस है, ये आपका एक ब्रेकर है और ये आपका दूसरा ब्रेकर है, ये आपकी एक मशीन है, ये आपकी एक मशीन है। तो जब यहाँ से पावर आपकी जनरेट होने के बाद, ये ब्रेकर क्लोज होने के बाद इस बस बार के ऊपर आएगी, अब सिंक्रोनाइजेशन जब दूसरा एक सोर्स है, दूसरा पावर का सोर्स है, दूसरी पावर है जो इसी कॉमन बस के ऊपर इकट्ठे होना है, तो हम बगैर सिंक्रोनाइज किए इस ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते, अदरवाइज एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि आपने ये बस जो है, ये बस तो ये वाली जो सप्लाई है, जो यहाँ से आ रही है, जो इस जेनसेट से सप्लाई आ रही है, जेन वन और जेन टू, इसके वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और इसका फेज एंगल, ये तीन चीजें आपने बराबर करनी होती हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज 400 वोल्ट है और यहाँ पर किसी 90 है, तो हमें इस वोल्टेज को 400 करना पड़ेगा या इसको 390 करना पड़ेगा, दोनों वोल्टेज को इक्वल करना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर यहाँ की फ्रीक्वेंसी 50.1 है और यहाँ की फ्रीक्वेंसी 49.9 है, तो हमें या इस फ्रीक्वेंसी को 50.1 करना पड़ेगा या इस फ्रीक्वेंसी को 49.9 करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो हैं कंट्रोल की जाती हैं, आपकी फेज सीक्वेंस और आपका फेज एंगल जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, फेज एंगल। जबकि फेज सीक्वेंस जो आपने ये केबल कनेक्ट करते हैं, ये आपने इसकी जो राइट सीक्वेंस बनती है उस हिसाब से आपने इसको फ्लो करना होता है, यानी रेड येलो और ब्लू, ये आपकी फेज सीक्वेंस बनती है आर बाई डी, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं L1, L2 और L3। तो आपके इस तीन फेजों की जो कनेक्शन है वो आपके राइट है येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू होना चाहिए, तो इसका भी रेड येलो ब्लू होना चाहिए, ठीक है। सेम सीक्वेंस आपने हार्ड वायर से उससे ठीक करनी होती है। दो पैरामीटर ऐसे हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, जो आपने चलते हुए इंजन का, चलते हुए उस पावर सोर्स का कंट्रोल करना होता है। तो ये जो है सिंक्रोनाइजेशन, जब आप एक दो या दो से ज्यादा पावर सोर्स को आपस में एक कॉमन बस के ऊपर आपने इकट्ठे करना है, 1, 2,
सिंक्रोनाइजेशन, अभी मैं बात सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन की कर रहा हूँ, लोड शेडिंग उसके बाद की बात है। सिंक्रोनाइजेशन मैनुअल हो सकती है, वो सेमी मैनुअल हो सकती है, या सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है थोड़ी, और या फुली ऑटोमेटिक हो सकती है। मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन आज से 25-30 साल पहले इस्तेमाल होती थी, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे पीएलसी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो बनाती हैं, जो जनरेटर कंट्रोलर से मैनुफैक्चर होते हैं। इसकी जो आजकल सिंक्रोनाइजेशन हो रही है वो ऑटोमेटिक ही होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन में आपने वोल्टेज भी चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करना है, फेज अगर आपने उसके आपने चेंज करना है, जो रेड येलो ब्लू जो वायर है L1 L2 L3, बाकी आपका एक जनरेटर क्लोज होगा तो बाकी उसके अपने अपने वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आप पोटेंशियोमीटर से उसके RPM को सेव कर सकते हैं, आप वोल्टेज के पोटेंशियोमीटर से उसके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, हर वोल्टेज AVR जो होता है उसको पोटेंशियोमीटर होता है, आप वहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप उसके इंजन के RPM और फ्रीक्वेंसी भी मैनुअल पोटेंशियोमीटर से आप डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात आपने समझनी है कि एक जनरेटर जो होता है वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है, एक जनरेटर दो हिस्सों से मिलकर बनता है, आपका अल्टरनेटर आपका इंजन एंड अल्टरनेटर, ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटर आपका, इंजन जो होता है वो मैकेनिकल पावर आपकी प्रोड्यूस करता है, इसको प्राइम मूवर भी कहते हैं, प्राइम मूवर। ठीक है, आप अगर टिपिकल इंजीनियरिंग के वर्ड में यूज करेंगे तो प्राइम मूवर आपका वो एक मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करने वाला एक ऐसा सोर्स होता है जो आपकी उस अल्टरनेटर के साथ जुड़ा होता है, जो उसको रिवॉल्विंग पावर देता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। तो दो हिस्से होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजन के, जो मैं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि एक आपने वोल्टेज कंट्रोल करना है, एक आपने फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है। वोल्टेज का लिंक होता है इस हिस्से के साथ, वोल्टेज आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं, इस पोर्शन से आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और RPM जो है वो इस हिस्से का कंट्रोल होता है, जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है वो इस हिस्से के इस प्राइम ओवर को कंट्रोल करके हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है वो इंजन के साथ पोटेंशियोमीटर होता है, आप इंजन से पोटेंशियोमीटर करके RPM अपन करते हैं थ्रू गवर्नर या ECM के थ्रू। आने वाली वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, गवर्नर की वर्किंग क्या होती है, ECM की वर्किंग क्या होती है, वो इंजन के आगे डिफरेंट आगे ट्रेनिंग के सेक्शन हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग में इतना सारा कॉन्टेंट इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको समझ आना भी मुश्किल है, तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आने वाली वीडियो में आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिलेगा, आप इन ट्रेनिंग से इतना लर्न करेंगे कि वो आप अपने एक मल्टी ईयर से भी नहीं सीख सकेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज आपको ट्रांसफर करूँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथन करूँ आपको, आपको मैक्सिमम इम्पावर करूँ, आपके इंजीनियरिंग को रीशेप करूँ, आपका जो स्किल्स है उसको इन्हांस करूँ, दैट इज माई एक्चुअली जो मेरा गोल है। तो वोल्टेज कंट्रोल होते हैं कि चीजें से अल्टरनेटर वाले में, और आपके हर कंट्रोल होते हैं आपके मैकेनिकल सोर्स से जो आपका इंजन होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज करते हैं तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, ये कॉमन बात, ब्रेकर वन और ब्रेकर टू, या आपका ACB1 एंड ACB2, और ये आपका पावर सोर्स G1 G2 क्लोज हुआ, सप्लाई आ गई, या फिर लोड की तरफ सप्लाई चली गई, जब इसमें सिंक्रोनाइज हो रहे हैं ऑटोमेटिक होगा। अभी मैं बात कर लूंगा मैनुअल की, ठीक है, मैनुअल समझाने की कोशिश करूंगा, जब आप मैनुअल समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। ये जनरेटर मैंने चला दिया, इसका ब्रेकर क्लोज हुआ 50.1 हर्ट्ज, 400 वोल्ट इस बात के, और अभी इसकी फ्रीक्वेंसी है 49.7 एंड 19
5 वोल्ट। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर तो मैं मैनुअल करूंगा तो मुझे यहाँ पर फेज एंगल चलेगी, डार्क लैम्प मेथड और ब्राइट लैम्प मेथड चला आपने पढ़ा हो अपने इंजीनियरिंग के ग्रुप के अंदर, एसी मशीन में था वो क्या करता है आपके यहाँ पर आप लैम्प लगाते हैं और यहाँ पर लैम्प लगा के आप उसकी फेज सिग्नल को चेक करते हैं, दोनों जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती हैं तो जो डार्क लैम्प मेथड होता है उसमें वो घुस जाता है, जो ब्राइट लैम्प मेथड होता है उसे क्रॉस कनेक्शन दिया जाता है ब्राइट लैम्प में तो वो ऑन हो जाता है। आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए पोटेंशियल मीटर के फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 49.7 से इस तक रेंज करेंगे, पोटेंशियल मीटर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हम डिस्प्ले मीटर से चेक कर सकेंगे। ऐसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो हम इसका ब्रेकर क्लोज कर देंगे। अब ये सिंक्रोनाइज होगा, जैसे ही ब्रेकर क्लोज करेंगे तो सिंक्रोनाइज तो हो गया, अब अगला स्टेप है लोड शेयरिंग का, उसे टर्मिनल चुन लीजिए। तो दोस्तों लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इस जनरेटर के ऊपर अगर पावर आपकी चल रही है 500 किलोवाट, टोटल लोड था आपका 500 किलोवाट था, उस वक्त एक जनरेटर चल रहा था और आपको 500 किलोवाट दे रही है तो कैपेसिटी 1 मेगावाट या 800 किलोवाट लगा रहे हैं, सपोज कर लें फिलहाल 500 किलोवाट चल रहा था लोड के ऊपर, जैसे ही ये सिंक्रोनाइज किया आप समझ लें कि 700 KVA का ये है और 700 KVA का ये है। तो जैसे ही ये सिंक करूंगा ब्रेकर क्लोज करूंगा तो अब ये पावर जो है इसे ट्रांसफर होगी, शेयरिंग आएगा, ये पावर यहाँ से भी ड्रा करेगा तो हो सकता है यहाँ पर 300 किलोवाट हो जाए और यहाँ पर 200 किलोवाट हो जाए। तो ये लोड शेयरिंग नहीं है, लोड शेयरिंग का मतलब है कि शेयर करना, इक्वल शेयर करना परसेंटेज के हिसाब से, अगर ये सेम रेटिंग है तो ये आधी आधी पावर शेयर करेंगे, 250 किलोवाट ये लेगा, 250 किलोवाट ये लेगा और 250 किलोवाट ये लेगा। ये हम मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल के लिए एक बंदा यहाँ पर खड़ा होगा इसके आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ही ये 250 से ये 300 पर आएगा और ये 200 पे चला जाएगा तो इस वाले जो इसका रोड कम है इसके आरपीएम बढ़ाऊंगा मैं, एक्चुअल में आरपीएम भी बढ़ेंगे, आरपीएम लो हुए हैं आपकी फ्रिक्वेंसी 50 Hz यही शो करेगा लेकिन प्राइम मूवर की पावर बढ़ जाएगी लोड लेने की। तो यू नो जब आप उस प्राइम मूवर की पावर बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ का लोड उठाएगा इस साइड का, तो ये लोड इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 300 का ये 250 जैसे 250 हो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी रोक देंगे उसकी। तो ये कॉन्सेप्ट है लोड शेयरिंग का, लोड शेयरिंग करने के लिए इंजन की प्राइम मूवर की जो स्पीड है उसको एक सिस्टम मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, वो इक्वली कंट्रोल कर रहा होता है उसको, लोड अगर उसने कम करना है अपना लोड उतारना है अगर उसने तो वो अपनी आरपीएम अपनी पावर को कम करेगा, कम फ्यूल जाएगा, ठीक है, पावर आरपीएम बढ़ाने का मतलब है फ्यूल ज़्यादा खुलेगा, गवर्नर ज़्यादा फ्यूल देगा इंजन में कंप्रेसर चैम्बर में ज़्यादा फ्यूल जाएगा, इसकी वजह से उसकी पावर बढ़ेगी और ज़्यादा लोड उठा देगा। अगर आपने लोड कम करना है तो आप पावर कम कर दें, फ्यूल कम करें तो वो लोड छोटा शुरू कर देगा, ठीक है। सेम ऐसे ही दो लोगों ने अगर वेट उठाया हुआ है, इसी एग्जाम्पल अब मैं आपको ऐसे दूं, ये एक इसके ऊपर वेट पड़ा हुआ है, एक ये इंसान खड़ा है और एक ये दो इंसान है पैरों में खड़े हैं और एक ये एक स्ट्रिप रखी है, एक फट्टा रखा हुआ है, एक लंबा था उसके ऊपर एक वेट पड़ा होगा, तो जो आदमी ज्यादा वेट जोर उठाएगा उसके ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है ना। जो आदमी नीचे बैठने की कोशिश करेगा तो वो नीचे तो शायद ना गिरे लेकिन इस वाले बंदे के ऊपर लोड ज्यादा आ जाएगा। तो जेनरेटर भी ऐसे होते हैं, आपने जब उसकी पावर बढ़ानी होती है आप तो ज्यादा फ्लूइड खोलेंगे, ज्यादा फ्लूइड खोलने से उसके आरपीएम की पावर बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी लो हुई होती है उस वक्त तो वो लोड उठा लेगा, लोड छोड़ना है लोड कम करना है तो अपनी पावर कम कर लेगा। तो ये लोड शेयरिंग होती है, तो लोड शेयरिंग परसेंटेज में इक्वल रखी जाती है, एडजस्ट की जाती है वहाँ पर। ये एक मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन लोड शेयरिंग थी,
अब आप जब इसको फुली ऑटोमेटिक करेंगे तो आपका जो पीएससी है ये सारा काम आपका पीएससी में ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। ये सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेडिंग का पार्ट वन था। अब मैं पार्ट टू में आपको इसके बारे में मजीद डिटेल से बताऊंगा कि आपका जो ऑटोमेटिक लोड शेडिंग है कौन से कंट्रोलर होते हैं, वो किस तरीके से अपनी इनपुट और आउटपुट देंगे, उस मशीन को उस इंजन को कैसे कंट्रोल करते हैं, और सिंक्रोनाइजेशन कितने टाइप की होती है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आपने कमर्शियल पावर को सप्लाई आपने बेचनी हो या खरीदनी हो तो किस तरीके से करते हैं, आप बल्क पावर कैसे एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो मेन सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है, यूटिलिटी की सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। आपने डिफरेंट इंजन को आप सिंक करना है, आपने छोटी रेटिंग को बड़ी रेटिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, लो वोल्टेज की, मीडियम वोल्टेज की और हाई वोल्टेज की एप्लीकेशन भी होती हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं सेट करता वो तमाम सिंक्रोनाइजेशन और इससे रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, इसकी डिजाइनिंग, इसका स्विचगेयर, सब में सबको डिटेल से डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।